सर्किट हाउस के अभी मैनेजर हैं उभय शंकर जी तिवाड़ी, उन्होंने रिपोर्ट दी है कि दिनांक 9 तारीख को इसी 9 को सीएमओ ऑफिस, अपने आप को सीएमओ ऑफिस में एक आईएएस अधिकारी एस के शर्मा अपना नाम बताया और वहाँ फ़ोन किया कि मेरे आदमी आ रही है, उसमें कमरा की व्यवस्था, रुकने ट्रेन की व्यवस्था करनी। तो इस तरह से उन्होंने कहा फर्जी एक आईएएस अधिकारी बन करके उसने कमरा बुक कराया और उनके तीन आदमी जो भरतपुर इलाके, भरतपुर ज़िले के बैठ थाना इलाके के रहने वाले वो आकर के उनको ठहराया। उन आदमियों से जब वो चेकआउट करने लगे तो उस समय इस चीज़ का क्लियर हुआ कि इस तरह का कोई ये फर्जी अधिकारी है। तो उन जो वहाँ ठहरे हुए थे उनसे जांच की गई तो उन्होंने बताया कि उनको संभाग के जो अपने संभाग का आयुक्त ऑफिस है, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस है, तो उनको कोई वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की कोई वैकेंसी के लिए अपने को डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने की बात कह करके और इसके लिए उनको यहाँ भेजा गया था और उन लोगों से अभी ये जाँच की जा रही है। हो सकता है वो लोग भी उनके साथ शामिल हो सकता है वो उस पीड़ित भी हो सकता है उनके साथ में, तो दोनों एंगल पे जांच की जा रही है। और जो मोबाइल नंबर जिस नंबर से कॉल आया था उसके संबंध में भी आईडी वगैरह निकाल के उसके तलाश की जा रही है। सर पुलिस को भी फ़ोन आया था कुछ कि छोड़ने के लिए? नहीं, हमारी पुलिस के संबंध में सर वो फिलहाल अभी हमारी जानकारी में नहीं है, वो अभी जांच कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच से जो भी आएगा तो अगर उनके पास कोई जो भी डिटेल आएगी तो उनसे भी बात करेंगे, उनके पास क्या फ़ोन आया तो उनसे भी तफ्तीश की जाएगी।